मैंने भी देखा, आपने भी देखा, हमने भी जो महसूस किया जो वो तो साफ जाहिर था कि उसको 3 से 4 दिन पहले मार पड़ी है, बहुत जबरदस्त पिटाई उसकी हुई है। क्यों मारा जाता है या इनको जबरन बिठा के इनको इंटरव्यू दिया जाता है कि आप ऐसा बोलो ऐसा बोलो? जाहिर सी बात है ये किसी के बच्चों को कैद करके दूसरे कमरे में बंद करके औरत को अलग बिठा के आया जाए, वो कहता है कि इधर को बच्चे पहचाने के भी नहीं। शुरू से लेकर आज तक मेरा यही सवाल है, बच्चों से क्यों बात नहीं करवाया जा रहा है? सलाम नमस्ते वेलकम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि पूरी यूट्यूब फैमिली भाई बहन सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा यानी तकरीबन 2 दिन पहले गुलाम हैदर और सीमा एक साथ जो है एक चैनल पर लाइव आए थे और वहां पर काफ़ी सवाल जवाब हुए थे दोस्तों। और भगोड़ी औरत जो है यानी मतलब सामना कर रही थी, शर्मा नहीं रही थी दोस्तों। उसके बाद जो है गुलाम हैदर फैयाज रामे साहब की लाइव में आए दोस्तों और वहाँ पर उन्होंने बहुत से खुलासे किए। मोमिन मलिक को लेकर भी जो है उन्होंने बातें की, जो गुलाम हैदर का नया एडवोकेट इंडिया के अंदर हायर हुआ है। सीमा को लेकर भी बातें की और रीमा को लेकर भी बातें की जो कि सीमा की फैमिली है रीमा। तो पूरा इंटरव्यू आखिर तक देखे ज्यादा से ज्यादा। फूड पकड़े गए, सारी चीजें एक्सपोज होगी, साथ ही साथ आपको मोमिन मलिक एडवोकेट जिनके जो के बड़े मशहूर, आपने उनको अपना वकील कर लिया है, तो ये बहुत बड़ी आपके लिए एक डेवलपमेंट है। अच्छा मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी रिसेंटली मैंने अभी आपका एक इंटरव्यू देखा जिसमें सीमा हैदर का चेहरा वगैरह जो है वो सोजा हुआ नजर आ रहा है और वो सारी चीजें नजर आ रही हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल फैज भाई, वो तो दुनिया ने भी देखा, आपने भी देखा, हमने भी जो महसूस किया जो वो तो साफ जाहिर था कि उसको 3 से 4 दिन पहले मार पड़ी है, बहुत जबरदस्त पिटाई उसकी हुई है। तो उससे मैंने एक सवाल किया भी था कि आप अपना चेहरा आपको जो है आपके साथ लड़े गए 4 दिन पहले, बोलते नहीं मेरे पास उस चीज के प्रूफ के साथ पिक्चर वगैरह हर चीज मेरे पास है और मैं साबित कर सकता हूँ कि उसको हकीकत में मार पड़ी है। ये ढकी छुपी बात नहीं है फैज भाई, बिल्कुल हकीकत में रियल उसको मारा जाता है, तब खिलवाया जाता है जबरन जबरदस्ती बच्चों को बंद किया जाता है, तब इनको लाइफ में बिठाया जाता है, ऐसा क्यों? बिल्कुल सही बात है। और आप देखेंगे ये इनका पूरा चेहरा खुल के सामने आ गया। अभी आपने बताया कि आपके पास वीडियो सबूत भी है, ये तो बहुत बड़ी बात है। वो यहाँ पे तो कहती थी कि पाकिस्तान में उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, लेकिन अब भारत में भी जाकर वो असल तो उसके ऊपर भारत में तशद्दुद किया जा रहा है, जिसके आप बता रहे हैं कि सबूत भी आपके पास मौजूद है। उनके बारे में इंटरव्यू तो साफ है, सब लोगों ने भी कहा, मैंने भी कहा, जैसे देखा गया तो वैसे ही था, इनको मार पड़ी है बिल्कुल भी, इनको ये पता नहीं इसको क्यों मारा जाता है या इनको जबरन बिठा के इनको इंटरव्यू दिया जाता है कि आप ऐसा बोलो ऐसा बोलो। जाहिर सी बात है ये किसी के बच्चों को कैद करके दूसरे कमरे में बंद करके औरत को अलग बिठा के, तो ये तो देखो उनसे पूछना चाहिए कि उसका सवाल इंडिया के लोग सीमा से सवाल करें कि आपके क्यों मार पड़ता है, क्या वजह है? मैं तो पुरसकून हूँ, देखो जिस औरत ने गलत किया उसको अल्लाह पाक सजा दे रहे हैं, ये तो जाहिर सी बात है। जो देखो अपने धर्म के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ, अपने शोहर के खिलाफ, अपने माँ बाप तक कब्र नहीं देखा, उसको तो अल्लाह पाक उसको कभी माफ नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक्सपोज हो रहे हैं जो बच्चों से आपकी बात नहीं करने देते, और यही वजह है कि इनका झूठ जो है वो पकड़ा गया, क्योंकि बच्चे जब आपसे बात करेंगे आपको वो पहचान जाएंगे, तो ये तो इनका सारा झूठ पकड़ा जाएगा और वो बार बार यही कहते हैं कि बच्चे असल चेहरा सीमा का नजर आएगा, वो कहता है कि इधर को बच्चे पहचाने के भी नहीं। शुरू से लेकर आज तक मेरा यही सवाल है, बच्चों से क्यों बात नहीं करवाया जा रहा है? इतना अच्छा है सीमा, मैं तो बच्चों को जबरदस्ती तो नहीं लेके जाता ना वो इंडिया में, मैं पाकिस्तान में, आप फोन पे बात करो, फोन दो, बोलते फोन पे बात करने का अलाव नहीं है बच्चों को। अगर हमारे मुल्क के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, हमारे पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ, तब तो बच्चों को मैक मुंह पे दिया जाता है कि क्या कहना चाहते हो। हाँ बिल्कुल सही बात है मीडिया भाई, सीमा से ये सवाल करे ना, ये सवाल उनका सीमा से बनता है ना, बोलते हैं मोमिन मलिक साहब होंगे, आप होंगे और हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। हमने बोला बिलाशक करें, हमें कोई इतराज नहीं है, तो नहीं लेके आए, इसका रीजन उनसे ही पूछा जा सकता है। जी बिल्कुल जी, वो सीमा को किस बुनियाद पे लाए, मगर अल्लाह पाक ने तो फैसला दिया ना, उसने एक झंडे के तौर दिन को लाके अचानक से बैठा दिया कि भाई सीमा है, तो हम बिलाशक हो, हमें क्या इतराज है उससे, आए अपनी बात रखे। अल्लाह पाक ने फिर भी हमारा इज्जत रखा, उसके मुंह पे एक दूसरा थप्पड़ मार दिया कि सीमा का चेहरा बिगड़ा हुआ था, उसके पास कोई सवाल का जवाब था ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। और जो आप बात कर रहे हैं मोमिन मलिक साहब को, इन्होंने जानबूझकर लाइव नहीं लिया,
क्योंकि वो आपको ट्रैप करने की और झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे थे। और जो बात इंडियन मीडिया ने ये बात की कि हुकूमत ने मना किया है बच्चों को लेने का, तो देखें हुकूमत ने बाकी सारे काम जायज करार दिए हुए हैं, वो बच्चों के साथ मुजरा करे, डांस करे वहां पे, उसकी इजाजत है। लेकिन यहाँ पे जो है वो बच्चों का मजहब तब्दील करवाए, बच्चों से सारे काम करवाए, वो उसकी इजाजत है। लेकिन अगर उसके वालिद से बात करवाने की बात की जाए तो वो कहते हैं जी इस पे हुकूमत की इजाजत नहीं है। तो ये एक अजीब रवैया है भारतीय मीडिया का। वो हरकत ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार और आत्मा से रुकेश ने कर रहे हैं तो आप बात करवाओ ना, सीमा सामने हो रहा है ना, कोई मीडिया वाला आज तक नहीं गया कि हाँ हमने आपके बच्चों से बात करवाई। उन्होंने कहा कि हमें बहुत सख्ती है, मना किया गया है, हमें अलाउ नहीं है बच्चों से आपको बात करवाए। बाकी देखो बिल्कुल सही बात है, दे रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमें अंसार बरनी के थ्रू जो हमने एजुकेट मोमिन मलिक साहब किया, बहुत अच्छा वकील है इंशाल्लाह, हम उम्मीद है। तो तमाम लोगों के दुआएं हैं, आप लोग शुरू से लेकर अच्छे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई तो दुआओं में असर होगा इंशाल्लाह। उस चार बच्चों की जिंदगी इस टाइम मुश्किल में है, तो इंशाल्लाह वो अब आसान होने वाले हैं अल्लाह की करम और फजल से इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्यों नहीं हैदर भाई, लाजमी। अच्छा बहुत सारे लोग जो है वो मुझे बार बार कमेंट करके ये बात करते हैं कि आपसे ये बात की जाए कि आप जब इंडियन मीडिया पे जाते हैं तो आप बड़े मोहतात रहा करें, और उस वक्त साथ मोमिन मलिक को या किसी को ले लिया करें, अगर आपने अकेले जाना है तो बड़े मोहतात रहा करें, क्योंकि वो ट्रैप करके इस तरह के सवाल करते हैं और यक तरफा सवाल करते हैं। अभी लास्ट इंटरव्यू में भी उन्होंने ये बात करने की कोशिश की, लेकिन वो खुद इसमें फंस गए और वो पूरी तरह सवाल करते हैं, उनको भी सवाल बनता है। अगर एक तरफा सवाल करते हैं, सवाल फिर भी उन पे ही बनते हैं, तो आप एक तरफा सवाल क्यों करते हो? अगर उनकी मौकफ रखा जा रहा है, हमारा क्यों नहीं रखा जा रहा है? जाहिर सी बात है इसमें, इस बात में भी तो दम है ना, इसलिए हमारी सवाल का अहमियत नहीं दे रहे हैं, सीमा को जो है ना ऊपर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, लोग इंटेलिजेंट है, लोगों को पता है, शौर्य याफ्ता लोग हैं कि मेरी बात क्यों नहीं रखा जा रहा। वजन वाली बात मेरी है, सात माह आठ माह से बच्चों का बार बार रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, मेरे से मेरे बच्चों की बात नहीं करवाया जा रहा है। तो ये एक साजिश है, एक प्लान है, भले करें, हमें कोई इतराज नहीं है। हम अपने कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है, बच्चे आजाद होकर पाकिस्तान में आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से हम उम्मीद है अपने रब पाक पे। बच्चों से बात होती थी? बिल्कुल मुसलसल बात होता था, 10 मई तक भी बच्चों से बात हुआ। जैसे यार हम इधर से शार्ट हो गया तो फिर नहीं हुआ बात, शुरू से लेकर सुबह बात होती थी, दोपहर को होती थी, शाम को होती थी, बात कैसे नहीं होता। बच्चे मेरे साथ थे, हमेशा बात करते थे, क्यों नहीं लेके आ रहा? अगर ठीक है बच्चे मुझे नहीं पहचानते, सीमा तो जाहिर सी बात है मोबाइल उठाकर देता, देखो बच्चे इसको नहीं पहचान रहे, क्यों नहीं दे रहे फोन, बात क्यों नहीं करवाता? तो चोर है ना, चुपता है, सिर्फ बहाने बनाए, बहानों से कुछ नहीं बनता। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुझे ये बताया कि कभी अगर मुस्तकबिल में जरूरत पड़ी तो सीमा हैदर की फैमिली जो है, उसकी बहनें वगैरह, वो सारे आपको सपोर्ट करेंगे कभी अगर उनकी जरूरत पड़ी आपको, वो आपके साथ रابطے में है? बिल्कुल, ये कहीं भी हो, हम अदालतों के पास जो भी हमें सबूत चाहिए होंगे हम क्यों नहीं लेके जाएंगे? हम किसी को क्यों बोलेगा आप आओ नहीं आओ, खुद आने के लिए तैयार है। मैं किसी को क्यों बुलाऊंगा? जब अदालतों की जरूरत पड़ेगी वो खुद जाएंगे। मुझे भी ये कहने का नौबत नहीं आएगा कि आप आओ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं वारिस में हूँ, सामना हो केस मैं लड़ रहा हूँ, बच्चों के साथ मैं हूँ शुरू से लेकर आज तक। अगर कोई भी जरूरत हो तो सब आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अगर किसी की जरूरत पड़ा तो बिल्कुल सही बात रखेंगे, उनके साथ मैं भी नहीं होगा, अपने तरफ से वो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है।